हे hey बच्चों, मैं हूं अभिनव कुमार। आप मुझे देख रहे हैं क्लियर सेप ट्यूटोरियल्स पर। सो लास्ट क्लास में हम लोगों ने बकल कैविटी यानी ओरल कैविटी के बारे में डिस्कशन कर लिया था डाइजेशन चैप्टर में, है ना। और अब हम डिस्कस करेंगे ह्यूमन टीथ के बारे में। ह्यूमन टीथ में इंटरनल स्ट्रक्चर हम बाद में देखेंगे, पहले हम देखेंगे कितने तरीके के दांत हैं आपने, ठीक है। उसको पहले कवर कर लेते हैं, फिर हम इंटरनल स्ट्रक्चर की बात करेंगे। देखो, ध्यान से देखते हैं बेटा। अगर हम दांत को देखें, है ना, अगर हम दांत को देखते हैं तो ये हमारा कुछ इस तरीके से हमारे जॉ में, ठीक है ना, ये कुछ इस तरीके से हमारे जॉ में एम्बेडेड होता है विद द हेल्प ऑफ लिगामेंट। ठीक है, ये लिगामेंट के हेल्प से ये हमारे जॉ में धसा रहता है, ठीक है, गड़ा रहता है, धसा रहता है, एम्बेडेड रहता है, ठीक है। और ये एम्बेडेड होता है तो इसीलिए सबसे पहला टाइप जो होता है ह्यूमन टीथ का वो होता है बेटा कि दैट ह्यूमन टीथ इज थीकोडोंट, ठीक है। थीकोडोंट का मतलब ही हो गया कि ये क्या है, ये हमारे जॉ बोन में एम्बेडेड है, इसी को हम थीकोडोंट बोल रहे हैं, सही है, ठीक है। तो इसको हम लिख सकते हैं कि दैट इट इज एम्बेडेड इन सॉकेट ऑफ जॉ बोन, सही, कोई दिक्कत नहीं आता, ठीक है। एक एक चीज क्लियर करना, ठीक है। दूसरा टाइप अगर देखें हम, तो दूसरा टाइप ध्यान से देखना बच्चों, इस दांत में ये कटोरी जैसे गड्ढे प्रेजेंट होते हैं। फील करो लास्ट के मोलर्स प्री मोलर्स में, ये सब में आपको फील हुआ कि कुछ गड्ढे हैं, ठीक है ना। तो ये गड्ढों को बोला जाता है कस्प। क्या बोला जाता है बेटा, गड्ढों को बोला जाता है कस्प। तो इसीलिए हमारे ह्यूमन टीथ जो होते हैं वो होते हैं ब्यूनोडोंट। कैसे होते हैं, ब्यूनोडोंट, क्यों, क्योंकि हमारे दांतों में कस्प प्रेजेंट है। ये बात एकदम सही है कि हर दांत में नहीं है लेकिन कुछ में है, तो इसके वजह से हमारे दांत किस टाइप के हैं बेटा, ब्यूनोडोंट टाइप के भी, एक टाइप ये भी हो जाता है। तो ब्यूनोडोंट को अगर हम लिखना चाहें तो कैसे लिख देंगे कि स्मॉल कस्प प्रेजेंट, स्मॉल कस्प प्रेजेंट, प्लस एंटी से प्रेजेंट बोलता हूं मैं, सही है, ओके। तीसरा टाइप जो इंसान के दांत हैं वो है बेटा, इंसान के दांत जो होते हैं, ह्यूमन के दांत, वो होते हैं डाइफायोडोंट। कैसे, डाइफायोडोंट टाइप का मतलब कि इंसान के दांत लाइफ में दो बार अपीयर होंगे, ठीक है। एक वो दांत जो दूध का होगा, ठीक है, जिसको तुम बोलोगे प्राइमरी टीथ, ठीक है, या मिल्क टीथ, या डेसिड्यूअस टीथ, ठीक है, या टेम्पोररी टीथ, क्लियर है। और एक वो दांत जो दूध के दांत के बाद मतलब उगेंगे, ठीक है भाई, दूध के दांत तो वापस से उगेंगे लेकिन फिर से और भी साथ में और, तो परमानेंट टीथ। तो एक परमानेंट डेंटिशन और एक प्राइमरी डेंटिशन, ये दो टाइप के डेंटिशन आपको मिलेंगे, ठीक है, ओके, परमानेंट एंड प्राइमरी, आप बोल सकते हो प्राइमरी या सेकेंडरी, सही है, ठीक है। तो डाइफियोडोंट मतलब कि आपका कितना टाइप के डेंटिशन प्रेजेंट है, टू टाइप्स ऑफ डेंटिशन, सही है, ओके। चौथा टाइप होता है हेट्रोडोंट, ठीक है, ओके। हमारा जो डेंटिशन है वो है हेट्रोडोंट टाइप का। हेट्रोडोंट बोले तो हमारे अंदर चार तरीके के दांत है, हमारे मुंह के अंदर चार तरीके के दांत हैं। चार तरीके बोले कैसे सर, चार टाइप के स्ट्रक्चर की बात मैं बोल रहा हूं, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर और मोलर, ठीक है, इनके फंक्शन के बेसिस पर, इंसीजर, केनाइन, प्रीमोलर, मोलर, ठीक है, ये चार टाइप के आपके दांत होते हैं, ठीक है। तो हेट्रोडोंट इसलिए बोला जाता है बिकॉज, ठीक है, बिकॉज यहां पर आपके पास क्या है, फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ
ऑफ थी। पहला क्लासिफिकेशन मेजर जो है ये आपका ये है कि इन चार तरीके के दांत होते हैं। भाई देखो थीकोडोंट तो हमने यही कवर कर लिया, ब्यूनोडोंट भी हमने यही कवर कर लिया। थीकोडोंट जो है तुम्हारा भाई सॉकेट ऑफ जॉ बोन में एम्बेडेड है इसलिए बोल दिया। ब्यूनोडोंट क्यों बोल दिया भाई? ब्यूनोडोंट इसलिए बोल दिया क्योंकि इसके ऊपर क्या प्रेजेंट है? स्मॉल कस्प प्रेजेंट है। बचा अपना डाइथियोडोंट और हेट्रोडोंट, क्लियर है? तो इन दोनों को भी कवर कर लेते हैं, डाइफायोडोंट और हेट्रोडोंट को। तो सबसे पहले मैं जरा मिटा लेता हूं इन सारी चीजों को, ठीक है? तो अगर अच्छा हेडिंग तो मैंने लिखा ही नहीं, अरे बाबा रे, हेडिंग क्या लिखोगे आप? ह्यूमन टीथ लिखो, ह्यूमन टीथ लिख दो, सही है ना? और ह्यूमन टीथ के बाद तुम इसके बाद लिख दो यहां पर टाइप्स ऑफ टीथ। सब हेडिंग क्या लिख दोगे? टाइप्स ऑफ टीथ, क्लियर? ओके, तो यहां तक अगर किसी को स्क्रीनशॉट लेना है तो ले लो भाई, ठीक है? ये आपके टाइप्स ऑफ टीथ हैं, ठीक है? अब हम डाइफायोडोंट को और हेट्रोडोंट को डिटेल में डिस्कस करेंगे थोड़ा, ठीक है? चलो तो इसको रब कर लेता हूं, स्क्रीनशॉट ले लिया होगा मेरे हिसाब से सबने। आगे बढ़ते हैं भाई, ओके, ये हो गया हमारा इतना पार्ट। अब आते हैं हम लोग हमारा कि डाइफायोडोंट के बारे में, फायोडोंट, डाइफायोडोंट का मतलब क्या हुआ बेटा? कि डाइफायोडोंट का मतलब ये हुआ कि देयर आर टू सेट्स ऑफ टीथ, ठीक है ना? यहां पर डाइफायोडोंट का मतलब हो जाएगा कि देयर आर टू टीथ, टू सेट्स ऑफ टीथ। टू सेट्स बोले तो कि एक जो होगा वो होगा आपका, है ना, एक होगा प्राइमरी डेंटिशन और एक होगा सेकेंडरी डेंटिशन, सही है? प्राइमरी डेंटिशन और सेकेंडरी डेंटिशन। भाई प्राइमरी डेंटिशन वाले को तुम बोल सकते हो मिल्क टीथ, ठीक है? और क्या बोल सकते हो? और बोल सकते हो डेसीड्यूअस टीथ, हम बोल देंगे इसको डेसीड्यूअस टीथ। और क्या बोल सकते हो तुम? और इसको बोल सकते हो तुम टेम्पोररी टीथ, सही है? तो प्राइमरी डेंटिशन को तुम मिल्क टीथ बोल दो, डेसीड्यूअस टीथ बोल दो, टेम्पोररी टीथ बोल दो, क्लियर? अगर सेकेंडरी डेंटिशन की बात करें तो सेकेंडरी डेंटिशन को तुम क्या क्या बोल सकते हो भाई? सेकेंडरी डेंटिशन को यहां पर तुम परमानेंट टीथ भी बोल सकते हो, परमानेंट टीथ बोल दोगे। और क्या बोल सकते हो? परमानेंट टीथ के बाद तुम इसको परमानेंट टीथ के बाद इसको तुम एडल्ट टीथ भी बोल सकते हो। अब सुनना मेरी बात, एडल्ट टीथ भी बोल सकते हो। देखो कभी भी अगर मुझे दांत के बारे में स्टडी करना है तो मैं कैसे करूंगा, मेरे को कैसे स्टडी करना है? देखो ये मेरा अपर जॉ, क्या है बेटा? ये है अपर जॉ और ये है लोअर जॉ, ठीक है? मतलब अपर जॉ में भी मेरे दांत हैं और लोअर जॉ में भी मेरे दांत हैं। अगर हम एक एडल्ट ह्यूमन की बात करें तो 16 दांत अपर जॉ में और 16 दांत होते हैं लोअर जॉ में, 16 टीथ्स आर इन द लोअर जॉ एंड 16 टीथ्स आर इन द अपर जॉ। और मुझे अगर
स्टडी करना है तो मैं अपर अपर में आधे को क्या बोलूंगा, अपर जॉ में आधे को क्या बोलूंगा और लोअर जॉ में आधे को क्या बोलूंगा। अपर जॉ में बोलूंगा कि अपर हाफ जॉ, सही है, लोअर जॉ में बोलूंगा लोअर हाफ जॉ। तो अगर मैं अपर हाफ जॉ में, मेरे पास कितने दांत हो जाएंगे, 8 दांत भाई। उसी तरीके से लोअर हाफ जॉ में कितने हो जाएंगे, 8 दांत, ठीक है। तो अगर मैं 8 × 4 कर देता हूं, सही है, 8 × 4 कर देता हूं तो मेरे पास 32 आ जाता है, सही है। और अगर मैं यही मान लो 16 × 2 कर देता हूं, 8 और 8 16 और 16 × 2 कितना हो जाएगा, 32 हो जाएगा। तो ये तरीका हो सकता है एक मेजरमेंट का, ठीक है। ध्यान से मेरी बात को सुनना बेटा, अगर देखते हैं हम ध्यान से कैसे, यहां पर अगर हम बात करें जो टेम्पोररी और मिलती, ये आपका जो है ये होता है 20, सही है, और यहां पर हम इसकी बात करें तो ये होते हैं 32, ठीक है, ये होता है 20 और वो होता है 32। कैसे 20 और कैसे 32, कैसे काउंटिंग हुई है, यहां देखो जरा ध्यान से। अगर हम इस 20 की बात करें तो हमारे पास 4 तरीके के दांत हैं, इंसीजर से आई को रिप्रेजेंट किया, कैनाइन, फिर प्री मोलर, है ना, और ये मोलर, सही है, है ना, बहुत बढ़िया। अगर हम सिर्फ हाफ जॉ, यहां पर अपर हाफ जॉ या लोअर हाफ जॉ, कोई एक हाफ जॉ को पकड़ रहा है, ठीक है, तो अपर हाफ जॉ में अगर हम देखते हैं, ठीक है ना, तो यहां पर हमारे पास है बेटा 2 दांत, ठीक है। अगर हम कैनाइन की बात करें अपर हाफ जॉ में, तो ये है 1 दांत, बच्चों के अंदर मिल्क टीथ बोल रहा हूं, ठीक है। प्री मोलर की अगर हम बात करते हैं बेटा, तो प्री मोलर में 1 भी दांत प्रेजेंट नहीं है, 0, सही है, है ना। और मोलर की बात करें तो मोलर के अंदर हमारे 2 दांत हो गए, बहुत सही भाई। अब क्या करूं यहां पर, 2 1 2, है ना, 0 कितना हो जाएगा, इक्वल टू करेंगे तो हमारे पास हो जाएगा ये 5, और 5 × 4 करोगे तो ये आ जाएगा तुम्हारे पास 20। बोलो सही है, कैलकुलेशन आसान हो गई, ठीक है, एक बार करके देखना, ठीक है। अब ध्यान से देखना, ये 20 दांत हो गए, अब ये 20 दांत जो है वापिस से उगेंगे, है ना, यही 20 दांत जो है बेटा ये क्या होंगे, वापिस से उगेंगे। तो 20 तो पहले ही आ गए 32 में, सही है, 20 तो पहले ही आ गए 32 में। अच्छा, कौन से दांत थे जो यहां पर नहीं उगे थे उसकी बात करें तो वो दांत थे हमारे पास, ठीक है ना, वो दांत थे, एक तो 2 हमारे पास प्री मोलर होना चाहिए था, ठीक है ना। एब्सेंट में लिख देता हूं यहां पर कि एब्सेंट क्या क्या है, एब्सेंट की अगर बात करें तो एब्सेंट है हमारे पास 1, हमारा 2, एक है हमारा प्रीमोलर में से, प्रीमोलर में से कितने दांत एब्सेंट है, 2, ठीक है, और यहां पर हमारा मोलर में से कौन सा एब्सेंट है, 3rd molar जो है वो एब्सेंट है, यानी कि 1 दांत मोलर का एब्सेंट है, तो ये 1, तो 2 1 3 हो गया, है ना, यहां पर 2 1 3 हो गया, और 3 4 12, यानी कि 12 दांत टोटल बच्चों में एब्सेंट रहेंगे, 20 दांत प्रेजेंट होते हैं। कितने दांत एब्सेंट रहेंगे बेटा, यहां पर अगर इस 2 को और इस 1 को, ठीक है ना, 3, तो 3 × 4 करोगे, अगर तुम 3 × 4 करोगे तो कितना आ जाएगा, 12, यानी कि ये 12 दांत जो हैं क्या है बच्चों में एब्सेंट है, सिर्फ 20 दांत प्रेजेंट होते हैं, सही है, कोई दिक्कत यहां तक। अब ये 20 दांत वापस से उगेंगे, और जो ये 12 नहीं उगे थे, है ना, फिर से बोल रहा हूं, ये जो 12 नहीं उगे थे मिल्क टीथ में बच्चों के अंदर, ठीक है ना, वो दांत वापिस से यहां पर उगेंगे, ठीक है ना, तो वो दांत यहां पर उगेंगे, क्लियर है। अब सुनो, तो 20 और 12 कितना हो जाएगा बेटा, ये आपका हो जाएगा 32। अच्छा, ध्यान से एक चीज देखो, गौर करो, ध्यान से देखना बेटा, कि ये जो 12 दांत है, क्या ऐसा नहीं है कि लाइफ में एक बार अपीयर हो रहे हैं, ठीक है ना, तो इसीलिए इसको हम बोल देते हैं मोनोफायोडोंट टीथ। क्या बोल देते हैं, मोनोफायो, मोनो मतलब एक, मोनोफायोडोंट टीथ, सही है, कोई प्रॉब्लम यहां तक, यहां तक मेरे हिसाब से कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए,
ये आपका टोटल डाइफायोडॉन यानी कि टू सेट्स ऑफ टीथ के बारे में बात हो गई है। क्लियर, आगे बढ़ते हैं बेटा। स्क्रीनशॉट लेना चाहो तो ले लो फटाफट से। ओके मिटाते हैं इसको। अब ये तो हो गया हमारे पास भैया की चार टाइप के हमारे में टीथ में डाइफायोडॉन को हमने कवर कर लिया। सही है, बहुत बढ़िया। अब देखो जरा ध्यान से देखना बेटा, अब मैं दिखा देता हूं यहां पर आपको, जॉ बनाते ही दिखा देता हूं। जैसे मान लो हमारे पास है ये है अपर जॉ है ना, और ये है हमारे पास लोअर जॉ। क्लियर, सही है। तो अगर मैं इसको बीच में से डिवाइड कर देता हूं, ठीक है, तो हमारे पास देखो इन हाफ जॉ, इसको बोलूंगा मैं अपर हाफ जॉ, ये भी अपर हाफ जॉ, ये लोअर हाफ जॉ, ये लोअर हाफ जॉ, सही है। तो हाफ जॉ में सबसे पहले मेरे पास होंगे दो इंसीजर, तो ये जो दोनों हैं ये क्या है, ये दोनों हैं इंसीजर, सही है ना। और उसके बाद मेरे पास अगले जो आ जाते हैं वो आ जाते हैं मेरे पास कैनाइन, तो ये जो दो हैं, अच्छा कैनाइन एक ही है, सॉरी कैनाइन ये हो जाता है कैनाइन, ठीक है कैनाइन एक हो गया। और फिर उसके बाद मेरे पास जो आ जाता है बेटा वो आ जाता है ना, वो आ जाता है दो प्रीमोलर। क्या आ जाते हैं बेटा, टू प्रीमोलर, दो प्रीमोलर, सही है, ये आ जाता है दो प्रीमोलर। और प्रीमोलर के बाद मेरे पास आ जाता है लास्ट में, ठीक है ना, लास्ट में मेरे पास आ जाते हैं तीन तीन मोलर। क्या आ जाते हैं बेटा, तीन मोलर आ जाते हैं, ठीक है ना, ये तीन मेरे पास मोलर आ जाते हैं, तीन मोलर, ये तीन मोलर है, दीज आर द थ्री मोलर्स। और ये जो थर्ड मोलर है ना, देखो कौन कौन से बच्चों में एब्सेंट थे, ये दो प्रीमोलर एब्सेंट है और ये वाला थर्ड मोलर एब्सेंट था, सही है, ठीक है। फिर से देख लो, इंसीजर अपने पास कितने हैं, दो, ठीक है, कैनाइन कितना है एक, दो कितना है प्रीमोलर, और तीन कितने हैं, ये है मोलर, ठीक है ना। ये एडल्ट की मैं बात कर रहा हूं, और अगर बच्चों में बात करें तो बच्चों में ये वाला प्रीमोलर एब्सेंट रहेगा दोनों, और इनमें से थर्ड मोलर जो है, ये थर्ड मोलर जिसको बोलते हैं अकलदार, ठीक है ना, अकलदार, ये थर्ड मोलर भी एब्सेंट रहेगा, सही है। मेरे हिसाब से यहां तक का अरेंजमेंट आपको एकदम परफेक्टली क्लियर हो गया होगा, बहुत बढ़िया, ठीक है। तो अगर मैं बात करूं अगला, ठीक है, चौथा टाइप, फोर्थ, फोर्थ मेरा हो गया बेटा, डाइफायोडॉन को हमने कवर कर लिया और थीकोडॉन को तो हमने कवर ही कर लिया था वहीं पर, ठीक है, और फिर से ब्यूनोडॉन्ट भी हमने समझ लिया था स्मॉल कप्स पे, डाइफायोडॉन्ट हो गया हमारा, बचा अपना हेट्रोडॉन्ट, ठीक है ना, दैट फोर डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ आर प्रेजेंट, ठीक है ना। तो हेट्रोडॉन्ट को देख लेते हैं, अगर हम हेट्रोडॉन्ट को देखते हैं तो हेट्रोडॉन्ट का मतलब हो गया डिफरेंट टाइप्स ऑफ टीथ प्रेजेंट, डिफरेंट types of teeth present, सही है, ये हम इधर पर लिख देंगे। अब यहां पर सबसे पहला A, A क्या है, incisor, B क्या है बेटा, B है आपका canine, कैनाइन, अच्छा सी क्या है, सी है आपके पास प्री मोलर, सही है, और डी क्या है आपके पास,
डी है आपके पास मोलर। रिप्रेजेंट करने का तरीका क्या होगा बेटा? रिप्रेजेंट करने का तरीका यहां पर होगा आई से रिप्रेजेंट करो, सी से रिप्रेजेंट करो, पीएम से रिप्रेजेंट करो, सही है, और एम से रिप्रेजेंट करो। बोलो क्लियर? कोई दिक्कत? एक एक चीज क्रिस्टल क्लियर करते हुए चलना है बेटा, कहीं भी डाउट नहीं रखना है, ठीक है? अगर डाउट होगा तो कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट छोड़ना है, एक भी डाउट नहीं, ठीक है ना? सही है, मैं जरा इसको मिटाना चाहूंगा। आप लोगों ने बना लिया होगा मेरे ख्याल से, नहीं होगा तो भाई वीडियो पॉज करके रोक के और पीछे करके तो आप बना ही सकते हो, सही है ना? अब देखो ध्यान से देखना, अगर हम बात करें इनके फंक्शंस की, ठीक है ना, अगर मैं इनके फंक्शंस की बात करता हूं तो इनके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं? पहला आपके पास इनसीजर का फंक्शन क्या होता है? इनसीजर का फंक्शन है ना, इसका फंक्शन होता है कटिंग, काटने के लिए, सही है, कटिंग फंक्शन होता है, सही है, ओके। अगर मैं केनाइन की बात करता हूं तो केनाइन का फंक्शन होता है बेटा टीयरिंग, कोई दिक्कत? ठीक है, अगर मैं प्री मोलर की बात करता हूं और मोलर की, दोनों का काम होता है ग्राइंडिंग, ग्राइंडिंग क्या होता है, मतलब कटिंग का, टीयरिंग का और ग्राइंडिंग का, ग्राइंडिंग मतलब पीस, ठीक है, एकदम मसल देना, ठीक है, टीयरिंग मतलब भाई फाड़ना, और ये कटिंग मतलब काटना, सही है ना? तो ये होता है इसका मतलब, क्लियर? अब ध्यान से देखना बेटा, एक और आता है जो आपको एडिशनल क्वेश्चंस कहीं मिल जाएंगे, आप अगर कोचिंग वोचिंग के मॉड्यूल वोड्यूल लगा रहे होंगे या डिफरेंट बुक लगा रहे होंगे तो, ठीक है ना, रूट्स के बेसिस पर कि भाई इन दांतों के कितने रूट्स होते हैं, तो उसको भी देख लेते हैं जरा, ठीक है ना? अगर हम देखें बेटा यहां पर रूट्स है ना, रूट्स की बात करते हैं अगर, तो रूट्स की अगर हम बात करें तो इनसीजर और केनाइन का अगर देखें तो देयर आर ओनली एक ही रूट होता है, ठीक है, चाहे अपर जॉ की बात करें चाहे लोअर जॉ की बात करें, अपर जॉ यूजे लिख रहा हूं मैं और लोअर जॉ एलजे लिख रहा हूं, सही है, कोई दिक्कत? दोनों में क्या होता है, ओनली वन रूट, एक ही रूट होता है, रूट मतलब दांत का जड़ है ना, रूट का मतलब होता है दांत का जड़, खाली एक ही रूट होता है, सिर्फ एक ही रूट, सही है ना? अब देखो अगर मैं बात करता हूं बेटा प्री मोलर की, सही है ना, अगर मैं प्री मोलर की बात करता हूं, ठीक है, इस प्री मोलर की बात करता हूं यहां पर, तो इसका अपर जॉ में कितना होता है रूट, कितने जड़ होते हैं, और इसके लोअर जॉ में कितने होते हैं, ठीक है, तो अपर जॉ में हमारे पास यहां पर होता है बेटा टू रूट और लोअर जॉ में वन रूट होता है, और अगर मैं मोलर की बात करता हूं तो मोलर के अंदर भी हमारा अपर जॉ में होता है, ठीक है, तीन रूट और लोअर जॉ में होता है वन रूट। कैसे याद रखेंगे सर? देखो इसका तो याद हो गया आसानी से, अब तुम समझो ज्यादा दम कहां पर लगाना पड़ेगा, ज्यादा दम लगाना पड़ेगा भाई ऊपर से, ऊपर से अपर जॉ से, ठीक है ना, नीचे से कम दम लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, तो ऊपर इसलिए ज्यादा रूट है ना, और नीचे की तरफ कम रूट है, ठीक है, उसमें भी सबसे ज्यादा दम किस पर लगाना पड़ेगा, तो सबसे ज्यादा दम आपको पीछे वाले अखरोट तोड़ते हैं ना, अखरोट तोड़ने के टाइम में एक पीछे एकदम ऐह करना ऐसे, क्लियर है, तो उस समय मोलर पर ज्यादा जोर पड़ रहा है, तो इसलिए मोलर के अपर जॉ में, अच्छा यहां पर गलत हो गया बेटा, सॉरी यहां पर लोअर जॉ में दो होगा, ठीक है ना, तो मोलर के अपर जॉ में तीन होंगे लेकिन प्री मोलर के में दो होंगे भाई, क्योंकि कम दम थोड़ा सा लगाना पड़ रहा है मोलर से, ठीक है ना, तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हो बेटा। ये है आपका टोटल, आपके कितने टाइप के डेंटिशन, मतलब कितने टाइप के टीथ प्रेजेंट है, जो जितने भी क्लासिफिकेशन थी वो मैंने बता दी, सही है, ठीक है ना। अब आता है अगला चीज यहां पर एक और, ठीक है ना, क्योंकि खाली नहीं छोड़ना, पूरा कंप्लीट कर लेना, नेक्स्ट क्लास में हम इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ टीथ पढ़ेंगे, ठीक है, ध्यान से देख रहे हैं, देखो और समझने की कोशिश करना भाई, पूरा एक बार देख लेता हूं मैं, वीडियो चल रहा है ना कि पॉज तो नहीं हो गया, क्या बात है, चल रहा है, थोड़ी सी लंबी वीडियो हो जाएगी बेटा, ठीक है, देखो ध्यान से, अगर मैं डेंटल फॉर्मूला, एक टॉपिक आता है,
ठीक है ना, क्या आता है डेंटल फॉर्मूला। अगर मैं डेंटल फॉर्मूला की बात करूं तो डेंटल फॉर्मूला आप रिप्रेजेंट करोगे डीएफ से, डीएफ से रिप्रेजेंट करोगे, ठीक है। और क्या होता है डीएफ, डीएफ इज इक्वल टू नंबर ऑफ टीथ इन अपर हाफ जॉ, है ना, अपॉन नंबर टीथ इन लोअर हाफ जॉ। अगर मैं इसको शॉर्ट में लिखूं तो देखो इस पैटर्न में लिखना होगा मुझे, पहले इंसीजर, फिर केनाइन, फिर प्री मोलर, देन मोलर, अपॉन इनसीजर, केनाइन, प्री मोलर और देन मोलर, ठीक है, इस तरीके से लिखना होगा। फॉर एग्जाम्पल, एग्जाम्पल की अगर मैं बात करता हूं, एग्जाम्पल की अगर बात करता हूं भाई, डेंटल फॉर्मूला फॉर एडल्ट ह्यूमन, एडल्ट ह्यूमन, इसके लिए अगर मुझे लिखना है तो कैसे लिखूंगा मैं भाई, पहले इंसीजर टू, फिर केनाइन एक, सही है ना, फिर केनाइन एक के बाद आपका हो जाएगा प्री मोलर, ये हो जाएगा प्री मोलर, क्लियर, प्री मोलर, और फिर आ जाएगा, अच्छा इंसीजन केनाइन, ये चौक थोड़ा डिस्टर्ब कर दिया ना इसलिए गलत हो गया, एक मिनट, दो हो जाएंगे आपके इंसीजर, एक हो जाएगा केनाइन, प्री मोलर हो जाएगा बेटा यहां पर आपका दो, है ना, और मोलर हो जाएगा तीन, ठीक है, ओके, और दो तीन चार पांच छह सात आठ, उसी तरीके से सेम टू वन टू थ्री, नीचे भी आपको ये पता चल गया ऊपर है कितना आठ, नीचे है कितना आठ। कई बच्चे इसको डिवाइड करके कट कर दे रहे हैं, अरे कट नहीं करना है, गलत हो जाएगा, ठीक है, कट नहीं करना है, ये बायोलॉजी की डिवीजन है, यहां पर एडिशन करना है, डिवीजन में भी यहां पर क्या कर देना है, एडिशन कर देना है, ठीक है। तो आठ आठ यहां पर हो गया कितना बेटा, सोलह, और सोलह को इंटू करो किससे, दो से, दो से इंटू करोगे तो आ जाएगा अरे बत्तीस, सही है, कोई दिक्कत, अब आप तुम किसी का भी निकाल सकते हो डिजिटल फॉर्म, सही है। अगर तुमसे पूछ दें भाई टेम्पररी डेंटिशन का, है ना, प्राइमरी डेंटिशन का अगर तुम बताओ तो उसका भी निकाल सकते हो भाई, क्या हो जाएगा, अगर तुमसे डेंटल फॉर्मूला प्राइमरी डेंटिशन का पूछ दे तो, ठीक है ना, प्राइमरी डेंटिशन का भाई पांच साल के बच्चे तक का बोल दे प्राइमरी डेंटिशन, डेंटिशन के लिए डेंटल फॉर्मूला, ठीक है ना, डेंटिशन करो, कैसे करोगे देखो, यहां पर डीएफ हो जाएगा, है ना, क्या हो जाएगा देखो, इंसीजर टू, केनाइन एक होता ही है, लेकिन प्री मोलर आपके एक भी नहीं होता है, और मोलर कितने होते हैं, टोटल दो होता है, थर्ड मोलर एब्सेंट हो जाता है, वही सेम टू वन जीरो टू, सही है ना, टू वन जीरो टू, और टू वन जीरो टू के बाद आपका ये हो गया टोटल कितना, ये हो जाएगा पांच, और ये भी हो जाएगा पांच, है ना, पांच पांच दस, टेन इंटू टू कितना हो गया, अरे बीस निकाले थे, सही है, कोई दिक्कत, स्क्रीनशॉट ले लो आराम से। अच्छा और भी पूछा जा सकता है, जगह नहीं है तो ऊपर वाला मैं मिटा देता हूं थोड़ा, है ना, स्क्रीनशॉट आप ले लेना, और भी पूछा जा सकता है। अगर मान लो तुमसे ये पूछे डेंटल फॉर्मूला फॉर मोनोफायोडोंट थी, इसको देख लेते हैं, ठीक है ना, तो ये पूछ दे डीएफ फॉर, है ना, आज तो मैं ज्यादा ही खींच दिया भाई तुम लोग का, ठीक है, डेंटल फॉर्मूला फॉर मोनो फायोडोंट टीथ, ठीक है ना, इसको कैसे करोगे, तो इसको भी करने का अच्छा तरीका है, क्या कर दोगे भाई, इज इक्वल टू करो जीरो, है ना, जीरो भाई कितने दांत होते हैं, बारह होते हैं ना, तो जीरो जीरो, ओके,
और एक बार जो लाइफ में अपियर होते हैं, मोनोफायो का मतलब एक बार लाइफ में अपियर होते हैं, ठीक है ना। तो दो और थर्ड मोलर, ठीक है, 0021 क्या हो गया, तीन, और यहां पर तीन, तीन तीन छे, छे दो छे, 6 × 2 अरे 12। देखो कितना आसानी से आ रहा है, सही है। अगर यही मान लो 16 साल की उम्र के लिए लिख दे, ठीक है, 16 ईयर, 16 से थोड़ा सा ऊपर, मतलब 17 18 बच्चे का, 16 to 20 आप बोल सो, नहीं 16 to 18 इस अराउंड में, ठीक है ना। तो इस अराउंड में आपके उतने साल के बच्चों तक का जो होता है, ठीक है, टीनेज वाले, उनके लगभग 28 दांत होते हैं, उनका अरेंजमेंट थोड़ा इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखना। ये अगर पूछ देगा तो यहां पर गलती हो सकती है तुम्हें, ठीक है ना। क्या गलती हो सकती है, देखो 16 to 18 ईयर ओल्ड में अगर इसका डेंटल फॉर्मूला पूछते तो कैसे करोगे भैया, दो लिख दो इंसीजर को, एक लिख दो केनाइन को, ठीक है, दो लिख दो तुम इसको, है ना, और दो प्रीमोलर का हो गया और दो लिख दो तुम मोलर का। क्यों सर तीन क्यों नहीं लिखा, क्योंकि अकल दाढ़ जो है वो सबसे आखिरी में आता है ना। तो 2 1 2 2 ये हो जाएगा इसका डेंटल फॉर्मूला। यहां पर हो गया 7, यहां पर हो गया 7, ठीक है, तो 7 7 14 और 14, है ना, 14 × 2 कितना हो जाएगा, 28 दांत होते हैं 16 से 18 साल के बीच वाले बच्चों के। क्या यहां तक मेरी बात सही है, ठीक है, समझ में आई होगी आपको। नोट्स अच्छे से बनाएं और अच्छे से पढ़ाई करते हैं, मिलते हैं अगले लेक्चर में, ठीक है, थोड़ा लंबा ही हो गया आज, चलो जय हिंद।